ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया नामक एक ऐतिहासिक किताब में लिखा है कि कई राजपूत वंशों का उद्गम गुज्जरों से है, अर्थात गुज्जर भी राजपूत बने थे। भारत सरकार द्वारा 1901 में प्रकाशित गुजरात पॉपुलेशन के स्पष्टतया वर्णित है कि गुजरात पे शासन करने वाले कुछ गुज्जर परिवार राजपूत बने थे। 1924 में चुन्नीलाल आनंद द्वारा प्रकाशित एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया के भाग एक के पेज नंबर 158 पर जिक्र मिलता है कि चौहान और पंवार वंश के कुछ गुज्जर परिवार भी राजपूत बन गए थे। 1927 में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंडिया के अनुसार राजपूतों में पाए जाने वाले प्रतिहार असल में गुज्जर थे जो राजपूत बन गए। नेपाल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा 1973 में प्रकाशित सिल्वर जुबली सोवेनीर के अनुसार मिडेविल पीरियड के काफी सारे गुज्जर वंश राजपूत बन गए थे। भारत सरकार द्वारा 1961 में प्रकाशित सेंसस ऑफ इंडिया के पेज 10 पर लिखा है कि परिहार राजपूतों के पूर्वज गुज्जर हैं। 1938 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रोसीडिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के पेज 172 पर डॉक्टर क्रूक का बयान दर्ज है जिसमें उन्होंने राजपूतों के काफी सारे वंशों का ओरिजिन गुज्जरों से माना है, मतलब काफी सारे वंश जो गुज्जरों के थे असल में राजपूत बन गए थे बाद में। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल